नमस्कार दोस्तों। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कुछ फेवरेट प्रोटीन वाला वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बहुत चुन के बस कुछ प्रोडक्ट को लेके बना रहा हूँ। पीछे आपको दिख ही गया होगा, तो आप यहाँ पे वीडियो बंद करके जा सकते हो। पर अगर आपको जानना है क्यों बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है कर सकते हैं। हम यहाँ साइंटिफिक एंगल से देखते हैं प्रोडक्ट्स को, रिव्यू करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक बिग थैंक यू। देखिए, मेरे लिंक से बहुत लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजोन से। मेरा कुछ कंपनी का लिंक नहीं होता वैसे, तो अगर अमेजोन से जो आप लेते हो उसका रेफरल मुझे जो पैसा मिलता है उससे मेरे लैब रिपोर्ट वगैरह का थोड़ा बहुत खर्चा होता है। तो इट्स नाइस कि वो मेरे जो प्रीवियस टेस्ट थे उसके खर्चे आ गए हैं। दैट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एंड आई हैव सम सरप्लस, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, ठीक है, अब लो ना लो अलग बात है। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड का अच्छा वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने पहले बनाया है, पर अभी जैसे उससे बाद बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मार्केट में आया है। दे आर यूजफुल और नॉट, उसके बारे में बाद बात करेंगे। पर एसेंशियल अमाइनो एसिड का अगर आपको लैब रिपोर्ट चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, थोड़ा बहुत फंड है, आई कैन मैनेज। आप मुझे बताएं आप कौन सा लेना चाहिए। जैसे बताता हूँ, एनहेंस एटलीस्ट का एक एसेंशियल अमाइनो है, ऑल डे अमाइनो का भी कुछ होता है, फिर गेयर एसेंशियल का है ये, फिर आई डोंट नो कुछ और है, अमेजोन में दिख रहा था कुछ कुछ कंपनीज के हैं। तो अगर आप यूज किए हो या फिर मालूम है आपको, जो भी है थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। मतलब कंपनी का स्टेबिलिटी कैसा है, कितने दिनों से कर रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि एक्सपेंसिव टेस्ट है, ऐसे नहीं कि 10 का कर पाऊंगा। और ऐसा कोई पोल वोल नहीं है, यहाँ पे कॉमेंट मारिए और कमेंट में आपको जो अगर आपको लगता है ये वाला कमेंट, ये प्रोडक्ट आपको भी चाहिए, तो आप सिंपली उसमें बता दीजिए हाँ यस, अगेन उसको थम्स अप मार दीजिए, उसको आप कर दीजिए। 10 एक ही चीज में लिखने में समझ में दिक्कत होती है ना। कोई लिख दिया, मान लीजिए कोई लिख दिया गियर एसेंशियल का, या फिर कोई लिख दिया एनहेंस एथली का जो ये है उसका बनाओ आप लैपटॉप वगैरह, तो उसको थम्स अप मारो आप नीचे आपका रिप्लाई कमेंट मार दीजिए हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। यू कैन से व्हाई यू वांट आल्सो, यू नो, सो दैट अदर्स कैन सी के नहीं मैं भी ये चाहता हूं क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, इसका प्राइस फैक्टर अच्छा है, इसका रेशियोज अच्छे हैं वगैरह, ठीक है, या कंपनी ट्रस्टवर्दी है वगैरह, तो ये बताइए। एंड थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत लोग मेरे अमेजोन लिंक से वे ये सब नहीं लेते हो, आप जस्ट लिंक में घुसते हो और फिर जाके कुछ और चीज लेते हो, उसका भी बेनिफिट मुझे मिलता है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, आई एम रियली रियली थैंकफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग मुझे बोले थे कि थोड़ा सा बजट में बताइए, क्वालिटी अच्छा हो, रॉ भी ना हो, ऐसा मिला के, तो मैं ये सब प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं रिकमेंडेशन में लाया हूँ ये चार टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, चार स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स आर गुड पर चार प्रोडक्ट्स। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि देखो, इनका एक तो कंपनी का स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, इनके क्लेम्स के साथ साथ इनके प्रोडक्ट मैच करने चाहिए। जब ये मेरे से सुन के कोई प्रोडक्ट लेता है, वैसे आई डोंट टेल बट स्टिल कोई लेता है, तो सबसे कम कंप्लेंट किस किस ब्रांड से आता है, तो वो ये सब चीज़ों को देख के, या फिर कस्टमर सर्विस, मैंने कॉल किया, जवाब दिया, हमेशा नहीं होता है पर कितना रिस्पॉन्सिव है, ये सारी चीज़ों को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन अपना ब्रांड बनाने का कोशिश कर रहा है। देखो, रॉ प्रोटीन किसी कंपनी का बेच के बोल के बेचना सब कोई करता है, वो टेंशन नहीं है, दैट्स ओके। What I'm saying is, these companies right now are trying to make their brand and they are trying it for a long time. बहुत दिनों से अपना brand बनाने की कोशिश कर रहे हैं, slowly they are growing and they're growing good. और जब इनका product के बारे में कोई feedback आता है, मेरे से आए या फिर customer से आए, जो भी हो, they work on it. Time लगता है पर work on it, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो, जब pro collagen मैं वहां पर रखा हूँ, बाद में बताता हूँ उसके बारे में, वो ये नहीं है और वो इसमें रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, उसको जस्ट रखा हूँ, भूल ना जाऊँ इसे। तो एक तो है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का वे प्रोटीन, इट्स अ ब्लेंड प्रोटीन, एब्जॉर्ब का आइसोलेट नहीं, एब्जॉर्ब का रॉ नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आके दूसरा मत लो, और दूसरा लो तो लो भाई, पर मैं बोल रहा हूँ मतलब स्टेबिलिटी इस जगह पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब का वे प्रोटीन, उसमें ये फ्लेवर्ड है स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला वगैरह, चॉकलेट वगैरह आता है, मैं इसका रिव्यू भी किया हूँ। फिर आता है गियर एसेंशियल का वे रेन, दैट्स अगेन जो मैंने रिव्यू किया था, ये कुछ डार्क चॉकलेट या कुछ है ऐसा वो। फिर न्यूट्रिशन प्लैनेट का गोल्ड वे, दैट इज आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड। और फिर आता है मसल नेक्टर का ब्लेंड, कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का।
अभी इनका अगर आप सबका देखोगे ना, तो एक चीज आपको अच्छा लगेगा कि ये ना जो माय फेवरेट, इनके प्रोटीन परसेंटेज इज एट अ वेरी स्वीट स्पॉट, 70 to 85, दैट इज अ वेरी स्वीट रेंज, बहुत सुंदर सा रेंज होता है वो। अभी 95, 98 उस जगह पे आई डोंट गो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो डीनेचर होता है, सेकेंड चीज होता है उसमें इतना डीनेचर होने के लिए इतना प्रोसेसिंग में जाता है, आई डोंट वांट दैट। एंड द अदर थिंग, प्रोटीन में थोड़ा बहुत कार्ब होना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन में सबसे ज्यादा काम आता है कार्ब, थोड़ा सा कार्ब के साथ आप लो, दैट वुड गो मच बेटर इन योर सिस्टम देन दैट, सो दैट्स अनदर थिंग। इनमें से कुछ में जैसे तीनों में आपका एंजाइम्स है, इसमें एंजाइम नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, डिपेंड्स आप कैसे लेते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। पर अगर आपको एंजाइम चाहिए, ऑब्वियसली यू हैव थ्री अदर ऑप्शंस, ठीक है। और चीज जो सबसे अच्छा मुझे लगता है, इनका स्टेबिलिटी, ऑल दिस प्रोडक्ट्स दे हैव बीन, मतलब ये ग्रो कर रहे हैं, बहुत दिनों से ग्रो किए हैं, ऐसा नहीं कि आज निकला, छह महीने कुछ होता है ना कंपनी का, छह महीने के लिए मैं एक फ्राक से फ्रूट वाला कुछ निकाल लिया और फिर छह महीने बाद प्रोडक्ट गायब, वैसा नहीं है। देर देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड यू कैन गो फॉर देम, आई मीन देर देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड देर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, आपका फीडबैक लेके देर ट्राइंग टू मेक इट बेटर। तो ये है चारों स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो मेरे रिकमेंडेशन है, और ये ऑब्वियसली टू गेट सम मोर रेफरल्स मेरे अमेजोन स्टोर पे है। अभी अच्छे से सुनो आप, बहुत लोग आगे गाली देते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब अमेजोन से लो या इनके वेबसाइट से लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू गेट द चीपेस्ट प्राइस, ठीक है। क्योंकि अमेजोन में भी यही बेचते हैं, फ्लिपकार्ट में भी यही बेचते हैं, और अपने वेबसाइट में भी यही बेचते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट से शायद आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा, इनके वेबसाइट में मिल सकता है नहीं मिल सकता, आई डोंट नो। अगर इनके वेबसाइट में मैं खरीदा हूं और मुझे कोई कोड मिला है, जैसे गेयर का कुछ होता है आपका गेयर 10, अब्सॉर्ब का मैं यूज किया था सुपर 5, अच्छा मसल नेक्टर का कुछ यूज किया था मैं लॉयल 10, ऐसा कुछ होता है, पर ये सारे जो कोड हैं दे आर नॉट माई कोड्स, मैं यूज किया हूं, मैं एज ए कस्टमर, वो मुझे मेल में दिखे कि यू कैन यूज दिस कोड गेट सम डिस्काउंट, मैं वो डाल दूंगा, काम करता है अच्छा है, काम नहीं करता है आई एम सॉरी। और अगर आपको उनके वेबसाइट से लेना है, अगेन हियर मी राइट, अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है वो इनके एफिलिएट है, या फिर आप आपका खुद का कोड है, अब यूज करो यार, ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है यूज करो, मेरा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। और आई बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप अमेजोन से लेते हो, पर अमेजोन में जाके आपका दिखता है अगर इनका प्राइस बहुत ज्यादा है, 300-400 रुपए का गैप हो गया आपके इनके वेबसाइट में, ये कोड वोड डाल के कम हो रहा है, तो ऑफकोर्स इनके वेबसाइट से लो यार, उतना नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अमेजोन से लो, मुझे हेल्प करो अगर आपको वो कम में मिलता है, तो ऐसा नहीं आपके पॉकेट से ज्यादा 300-400 निकलेगा और मुझे हेल्प करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सो दे आर ऑल इन माई अमेजोन स्टोर, मैं वो लिंक भी डालूंगा, इनके वेबसाइट्स के लिंक भी डालूंगा, और अगेन दोज विल बी शॉर्ट URLs, शॉर्ट URLs आर नॉट रेफरल URLs, आप भी बना सकते हो, मैं शॉर्ट URL जिस साइट में जाके बनाता हूँ आप भी अपना वेबसाइट का शॉर्ट URL वहां डाल सकते हो। शॉर्ट URL मुझे कैटेगराइज करने में ईजी होता है, उससे कोई मुझे रेफरल बोनस नहीं मिलता है, दुनिया के किसी को नहीं मिलता है, आप खुद ट्राई कर लो, एक अब्सॉर्ब का या फिर मसल नेक्टर का URL डाल के शॉर्ट URL बना के किसी को दो और उससे क्लिक करने से आपको कोई पैसा नहीं मिले, इट डजंट वर्क दैट वे। तो एनीवे, सो ऑल दिस लिंक होगा वहां पे, और अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो। आई लाइक दिस प्रोडक्ट्स, इनके सारे रिव्यूज हैं, इनके लैब रिपोर्ट्स हैं, दे आर फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी स्टेबल, और ये ऑलमोस्ट बजट में, ये ऐसा नहीं कि डर्ट चीप है, 900 रुपए, 800 रुपए के किलो का नहीं है, ये सारे आपके आएंगे कुछ यू नो 1200 या 1300 से 1600 रेंज में आएंगे पर किलो का, उस रेंज में, बट दैट इज अ वेरी स्टेबल रेंज। क्या होता है मार्केट अगर फ्लक्चुएट करता है, ये वो रेंज चेंज नहीं करते, एंड देयर प्रोडक्ट ऑल्सो स्टे स्टेबल, दैट्स वाई, एंड दीज आर ऑल ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स, यू कैन गो बाय फ्रॉम द मेनी थिंग। अभी आते हैं इस भाई साहब के पास, प्रोकोलेजन, इनका मैं लैब रिपोर्ट में भेजा था, दिस इज अ वेरी, एक्चुअली लैब रिपोर्ट करना नहीं, दिस इज अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब इसमें 90% से ऊपर प्रोटीन होता है, पर दिस इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स दैट आई स्वेयर बाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि मसल नेक्टर का है इसलिए ये किसी का, कोई अगर इस क्वालिटी का प्रोडक्ट लाता है आई कैन टेक इट, इट्स अ मरीन कोलाजन, इट्स नॉट बोवाइन कोलाजन, ये आपका स्किन हेयर जॉइंट्स वगैरह सब कुछ ठीक करता है। इसके बारे में बहुत लोग बोले थे वीडियो बनाने के लिए, आई विल डू लैब रिपोर्ट, थोड़ा आने दीजिए, ठीक है, एक बार लैब रिपोर्ट पकड़ के वीडियो बना लेते हैं, और प्लीज बताइएगा कौन सा ये, आई थिंक ये इज अ गुड थिंग टू पिक, आपको चाहिए लैब रिपोर्ट बनाने का, हम बनाएंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे, एक दो हफ्ते, उसके बाद रिपोर्ट लेके वीडियो बना लेंगे, ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो जल्दी भी बना सकते हैं, पर थैंक्स लॉट टू यू, बिकॉज वो पूरा अमेजोन का जो एफिलिएट मेरे पास बोनस आता है उसी से ये सब हो सकता है,
सो थैंक्स अ लॉट टू यू अगेन. ओके, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा. चलिए.